हजरात, अभी मैंने बात की कि लोग अजीबोगरीब मसाइल में पड़े हुए हैं मजहब के हवाले से। पिछले दिनों मैंने एक लिस्ट मुरतब की उन लोगों की जो अपने मजहबी मसाइल पूछते हैं। जरा आप अंदाजा कीजिए कि लोगों के जहनों में मसाइल किस किस किस्म के फंसे हुए। मैं एक ऐसे दफ्तर में काम करता हूं जहां खवातीन भी काम करती हैं। वहां अक्सर खवातीन का कोई टूटा हुआ बाल किसी कुर्सी या सोफे पर नजर आ जाता है। सवाल यह है कि अगर ऐसे किसी बाल पर अनजाने में हम बैठ जाएं तो क्या इससे निकाह तो नहीं टूट जाता? अक्सर घरों में सब्जियां मिक्स करके पकाई जाती हैं, मसलन आलू मटर गाजरें वगैरह। सवाल यह है कि क्या ऐसा करने से हम मिलावट के मुर्तकिब तो नहीं करार पाते? मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप में अक्सर कोई दोस्त बेहुदा वीडियो भेज देता है। मैं ऐसी वीडियो फौरन डिलीट कर देता हूं लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बराहे करम फरमाइए कि मोबाइल को पाक कैसे किया जाए। सवाल सुनिए मौलाना, मैं पूछना चाहता हूं क्या मनी प्लांट के पौधे को छूने से गुस्ल वाजिब हो जाता है? सवाल सुनिए, वैसे तो मैं हर काम दाएं हाथ से करता हूं लेकिन गाड़ी चलाते वक्त मजबूरन बाएं हाथ से गियर लगाना पड़ता है, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? और यह भी बताइए कि उल्टे हाथ से मोबाइल फोन सुनना कैसा है? सलवार की जेब रखवाना कैसा है? और क्या ऐसी सूरत में जेब में रखे पैसे हलाल हैं? बहुत अच्छे सर, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, तालियां।